नमस्कार दोस्तों, एनजी न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। भाई दोस्तों, आपको पता है स्थानीय निकाय के चुनाव में जो उम्मीदवार खड़े हो गए, लेकिन जब से भगवान दास मैदान में उतरे हैं पूरे नरवाना के समीकरण को चेंज करके रख दिया है, और जो पूरे नरवाना के समीकरण हैं वो पूरे के पूरे बदल चुके हैं। तो देख चुके हैं पूरे नरवाना की जो मंडी पड़ती है, जहाँ से राजनीतिक जो पूरी शुरू होती है और राजनीतिक के समीकरण है वो शुरू होते हैं, और जहाँ पर राजनीति आकर दबाव मानती है, तो वो पूरी की पूरी मंडी जो भगवान दास का आज यहाँ पर दफ्तर का उद्घाटन किया गया है, जो कनिका गुप्ता जी है जो चेयरपर्सन के लिए ताल ठोक रही है नरवाना से, उनके पिताजी एक जाने माने चेहरे हैं जो पहले भी नगर परिषद के प्रधान रह चुके हैं, तो अभी जैसे आज यहाँ पर उद्घाटन किया गया है जो कार्यालय का कनिका गुप्ता है, जो उनके कार्यालय का उद्घाटन किया गया, और इस मौके पर नरवाना की जो पूरी मंडी है जिससे राजनीतिक दबाव मानती है, चेंज होती है, समीकरण होते हैं पूरे चेयरपर्सन के या कौन से भी एमएलए के चुनाव वो बदल जाते हैं, और आज वही तस्वीर देखने को मिली कि पूरी की पूरी मंडी आज यहाँ पर पहुँची है और समीकरण है वो कुछ और नज़र आ रहे हैं। तो आइए जानते हैं, यहाँ लोगों से बात करेंगे कि किस प्रकार का की तस्वीरें वो दिखाते हैं नरवाना के और क्या चेंज चाहते हैं। अंदाज जी से थोड़ी सी बातचीत करें। सर नमस्कार। सर आज तो जैसे कार्यालय का उद्घाटन था, आपने जिन लोगों जितना आपने सोचा था भी इतने लोग आएंगे, उससे कई गुना यहाँ पहुँच चुके हैं, ये तो आप देख रहे हैं। मुझे कहने की जरूरत नहीं इसके बारे में, तो ये आपके सामने है जितनी संख्या में आमंत्रित किया था उससे 3-4 गुना तो लोग आ चुके हैं। अच्छा जी, फिर जितना आप अनुमान मानते हो कि वोटों के हिसाब से या उसके हिसाब से, क्या उसमें भी कोई प्रभाव पड़ेगा जी? क्यों नहीं पड़ेगा प्रभाव, पता लग गया भाई वोट है नहीं है, जिसको हमने बुलाया, बिना जो नहीं बुलाए वो भी लोग आए हैं क्योंकि उन्हें खुशी है, खुशी की वजह से आते हैं लोग, अगर वो विरोध में होते तो क्यों आते। प्रधान जी एक बात, जो मंडी है, मंडी जी जहाँ झुक जाती है वहीं पर राजनीतिक जो मायने वो बदल जाते हैं, और आज पूरी की पूरी मंडी यहाँ पर आकर आपकी शक्ति प्रदर्शन का यहाँ पर दिखाई है, ताकत आपकी। ऐसा है, मंडी की अनाज मंडी की बात कर रहे हैं? हाँ, पूरी मंडी की बात। अनाज मंडी में 3-4 बार प्रधान रहा हूँ, तो लोगों से मेरा संपर्क है, उनका आज भी मेंबर हूँ मैं, तो नेचुरल है फिर मंडी में जब दायरा तो होगा ही, आदमी उठ बैठ है सब। अच्छा, तो ये आप देख रहे हैं मंडी से कितने लोग आए हुए हैं। तो सर जनरल लोग कितने आए हुए हैं, मंडी की बात नहीं सारा शहर की बात है, अब तो सारे शहर से कितने लोग आए हैं ये आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, मुझे कहने की जरूरत नहीं। कुछ विचार आया मन में अभी जैसे पहले सोचा था, या कुछ से कुछ बढ़कर मिल रहा है सर लोगों से विश्वास जो लोगों का? हाँ, जो सोचा था उससे भी कहीं बहुत ज्यादा है मेरे को समर्थन मिल रहा है लोगों, यानी कि बड़ी उम्मीद। हाँ, बड़ी उम्मीद बिल्कुल, जितनी उम्मीद नहीं की थी उससे भी कहीं बहुत ज्यादा, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप खुद देख लीजिए। ठीक है, आप तो बहुत देर से यहाँ हैं। हाँ, तो अभी यहाँ पर जो लोग यहाँ पहुँचे हैं उनसे थोड़ा थोड़ा व्यू लेंगे। सर नमस्कार। ऐसा है जी, नमस्कार। हमारे भगवान दास जी छत्ती बिरादियों को साथ लेके चलने वाले दुख सुख के साथी, चाहे भगवान दास जी को आधी रात को 2 बजे 12 बजे किस टाइम भी याद कर लो, हम तो एक ही बात कहेंगे, एक एक वोट भगवान दास जी के पक्ष में दीजिएगा। जो पार्टी की तरफ से लड़ने की तैयारी थी उसके बाद कुछ चेंजिंग हुई, फिर चेंजिंग ना हुई, फिर उसके बाद निर्दलीय खड़े हुए, अब क्या लगता है क्या मायने निकाल रहे हो? ऐसा है जी, निर्दलीय निर्णय में हमने तो पार्टी से भी ज्यादा हुआ होगा। अच्छा जी। हाँ जी, हम कहते हैं भगवान दास जी के साथ सारा शहर है, मंडी भी और सहरा शहर भी। हाँ जी, और जो हमने की बात करते हैं सर, पूरा नरवाना मंडी पर डिपेंड रहती है, जहाँ मंडी झुक जाती है वहीं पर मंडी तो है भगवान दास जी के साथ। बात करेंगे नगर परिषद के प्रधान, और इनके कामों की सराहना है पूरा नरवाना करता है, क्योंकि सफाई के मामले में करें रात के समय में, और जो नए सफाई के उपकरण है वो लाने में इनकी अहम भूमिका रही है, पूरा नरवाना में छाप छोड़ी थी, पूरा नरवाना जानता भी है, लेकिन प्रधान जी ने पता नहीं क्यों चुनाव लड़ने से मना कर दिया, क्योंकि अगर लड़ते कुछ न समीकरण और चेंज हो जाते। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार, मैं एक बात से आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा कि भाई आपने कहा चुनाव हर आदमी को मौका देना चाहिए, हम भगवान दास जी के शिक्षा दी हुए एक उनके क्लास के छोटे हम मेंबर हैं, हम भगवान दास जी के सिखाए हुए रास्ते पे चल रहे हैं, भगवान दास जी छत्ती बिरादरी के सुख दुख में साझा होने वाले व्यक्ति हैं, और जो आप बात भाई रामविलास जी से कर रहे थे कि भाई लोगों ने लड्डू बांटना शुरू कर दिए, आज तक का इतिहास आप जिन्होंने पहले लड्डू बांटे हैं उनके लड्डू बाद में नहीं बांटते। अच्छा, जिनके लड्डू बाद में बांटते उन्हीं के बांटते हैं, पहले वालों के लड्डू नहीं बांटते। रही बात सफाई की, जो कार्य
पेंडिंग है नगर परिषद के अंदर, मैं समझता हूँ भगवान दास जी और ज़्यादा कामों को और तेजी देंगे और भगवान दास जी सुख दुख के साथ ही 36 बरादरी को साथ लेकर चले। आज लोगों ने इस बात का दिखा भी दिया, प्रणाम भी दिया कि भाई हर कोने से 36 बरादरी से लोगों ने आके समूह के रूप में उनका समर्थन दिया। भारत भूषण खास आदमी हाँ जी प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो आज का इशारा आप समझ चुके हैं? इशारा है जी कम से कम 15,000 वोटों से भगवान दास जीत रहे हैं। अच्छा जी, निश्चित तौर पे कनिका हमारी पुत्री जो है चुनाव जीतेगी और इस निर्वाणा को नया प्रधान मिलेगा। चल सकता है कि कितना समर्थन, भारी संख्या में समर्थन है जो भगवान दास, जो उनकी पुत्री है कनिका गुप्ता जी, जो मैदान में चेयरपर्सन के लिए ताल ठोक रही है नरवाना से। आइए जानते हैं नरवाना के जो लोग और लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं, किस प्रकार का समर्थन लोगों की तरफ से दिया जा रहा है। सर नमस्कार। नमस्कार जी। तो क्या कुछ नरवाना में रुझान है जी, रखते हैं क्या समीकरण निकाल कर आ रहे हैं आप, जैसे आज का अंदाजा आप लगा? भगवान दास जी की खुद की गुडविल इतनी है कि 20,000 वोट पक्के हैं जी। जमा खुद देख लो, यहाँ जो भी आदमी आया हुआ है लोकल है, कोई बाहर का नहीं है, सारे हर समाज से आया हुआ है। भगवान दास जी लड़ रहे हैं इलेक्शन, ना कि बेटी लड़ रही है, भगवान दास जी ही चेयरमैन बने हैं, ये तो आप भी देख रहे हो, बड़ी मेहरबानी। तो भाई जैसे जैसे बातें सुनने में आती हैं, भगवान दास जी का जो रसूख है लोगों के साथ मिलनसार है, क्योंकि टाइम चेक कौन सा भी हो, रात का समय और दिन का समय, जब भी कोई दुख की घड़ी हो तो अपने आप पहुंच जाते हैं और हर समय लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। आशीर्वाद है जी मंडी का, बहुत बढ़िया चल रहा है इलेक्शन का। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा रुझान है जी, पुराने लीडर है और अच्छे वोटों से जीतेंगे। अच्छा, मतलब अच्छा मार्जिन लेके, अच्छा मार्जिन लेके। अच्छा अच्छा, फाइट फूट भी मानते हो किसी के साथ इनकी? फाइट फूट तो जी एक आधे के साथ तो होगी। अच्छा। जैसे कांग्रेस पार्टी है और गुप्ता चेयरपर्सन बन पाएगी? हाँ जी हाँ, जरूर 100% दुख सुख के साथ ही भगवान दास जी प्रधान जी, पहले भी प्रधान रह चुके हैं, अनाज मंडी के भी रह चुके हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है आज के रुझान से कुछ आपको लगता है? जैसे पब्लिक अंदर कोरे यहाँ पर। सर क्या लगता है भगवान दास को कितना सपोर्ट जाएगा नरवाना की, ये खासकर मंडी का? नरवाना शहर से और मंडी से, मंडी 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 की, नरवाना मंडी से भगवान दास जी को पूरा फुल सपोर्ट मिल रहा है। 8,000 से 10,000 वोट है, तो क्या कुछ कितने वोट ले सकते हैं मंडी से, क्योंकि मंडी जहां पर झुकती है वहीं पर मंडी के वोट भगवान दास को 80% मंडी का वोट भगवान दास के साथ है। अच्छा, हाँ जी, क्या लगता है? 80% हाँ जी, क्या लगता है? 80% है जी।